नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूर्य पाठ शाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लगातार अनऑफिशियल कट ऑफ सीरीज पे वीडियोस बना रहे हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं होम साइंस। बीएचयू में होम साइंस अगर आपको करना है तो बेसिकली कितने क्वेश्चन सही करके आने हैं इस 2024 के पीजी एग्जाम में, उस पर हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। रिफरेंस है हमारा एक वोटिंग, साथ ही साथ लास्ट ईयर का जो है ऑफिशियल कट ऑफ, उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग में बोलूंगा कि प्लीज लास्ट तक देखें और इसको जरूर शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों तक, ठीक है। हाँ, बीएचयू के लिए बना रहा हूँ तो एक स्टार्टिंग में ही रिमाइंडर है, माइंड में बैठा लेना कि बीएचयू के लिए स्पेशल कोटा होता है। तो ये जो मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा इसमें 2-4-5 क्वेश्चन अप डाउन भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बीएचयूएन हो तो रिलैक्स रहना देखने के बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करें। हाँ, इस बार जो एक बड़ा चेंजेस है वो स्टार्टिंग में आप डिस्कस कर लो। 75 क्वेश्चन ही हो गया, ईच क्वेश्चन करीब 4 मार्क्स। पहले भी 4 नंबर का ही हुआ करता था एक क्वेश्चन, लेकिन 100 की जगह पे 75 हो गया इस बार। पहले क्या होता था, 100 होता था, 75 डोमेन्स होता था और 25 आपके एप्टीट्यूड सेक्शन से। तो एप्टीट्यूड को अब लोग रिपेल कर दिए, अब रिमूव हो गया, तो फाइनली ओनली डोमेन से आपके क्वेश्चंस आए थे, आपको पता होगा, ठीक है। और कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा दुखी हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है, तो प्लीज आप कट ऑफ देखने के बाद रियलाइज करो कि आपका पेपर अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि जो भी एग्जाम में चीजें होती हैं वो हमारे साथ बैठे हुए पूरे इंडिया में सभी के साथ होती है। तो लेट्स सी फाइनली अनऑफिशियल कट ऑफ होम साइंस के। लगभग रिजर्वेशन वाइज मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर रखी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है। और इसमें भी और भी कैटेगरीज है, जैसे बीएचयू में पेड सीट भी होता है, तो पेड जनरल, पेड ईडब्ल्यूएस, पेड ओबीसी, पेड एसटी, पेड एससी, ऐसे हो जाता है। पीएच का छूटा हुआ है, गर्ल्स का इसमें 1-2 नंबर अप डाउन हो जाता है। तो ये तमाम चीजें, ये मोटी मोटा एक सेफ डिस्कशन होने जा रहा है, ठीक है। आप दिमाग में बैठा लेना कि ये एक सेफ डिस्कशन होने जा रहा है। हम लोग बेसिकली सेफ डिस्कशन करेंगे कि हाँ, हम अगर सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो कितना मार्क्स लाने पर हम रिलैक्स फील कर सकते हैं। सो प्लीज ध्यान देना, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया हुआ है स्टार्टिंग, ये कई राउंड नीचे गया, कम से कम 5 राउंड एकदम बढ़िया से नीचे गया है, बाकी 8 राउंड तक भी रिजल्ट आए थे, ठीक है। तो लेकिन राउंड का मतलब ये नहीं कि 10-10 नंबर गिरते चला गया, स्टार्टिंग में बहुत कम गिरता है, मतलब 2 नंबर 5 नंबर, मैक्सिमम 5-6 5-6 ऐसे करके गिरता है, ठीक है। तो 199 इधर मैंने क्वेश्चंस में नोट कर रखा है, ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चंस में नोट कर रखा है, इधर मार्क्स में है ये। तो इधर का आप देख लो, ये आप खुद ही देख लो। हम लोग सीधे चलते हैं 2024 के लिए जो करेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उस पे। जनरल अगर 55 करके आया हुआ है, 55 करके आने से मतलब नहीं है, 55 सही है तो एकदम सेफ है वो एडमिशन के लिए बीएचयू में। लेकिन ध्यान देना, इससे भी कम में भी काम हो जाएगा, अगर वो 50 से भी नीचे होगा ना तो भी काम बन सकता है, लेकिन 55 मीन्स मैं एकदम कह रहा हूं कि ज्यादा चांसेस है, मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा ऑप्शन है आपके पास, मतलब ये एक लंबी सांस लेने का समय है कि चलो भाई एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ओबीसी हो तो 45, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो तो 40, एससी हो तो 35 और एसटी हो तो 30, ये कुछ सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टनेस का मैं आपको डिस्कस किया। अगर इस तरीके के फॉर्मेट में आप कहीं बैठ रहे हो, इससे पांच, अगर मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आप डाउन करके भी अपने आप को देखोगे तो चांसेस हैं, लाइक बीएचयू कोटा वाले को पक्का है, बाकी लोग को थोड़ा सा नहीं है, लेकिन ये एक सेफ है। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम आबादी जो है वो इससे कहीं ना कहीं अपने आप को जज कर पाएगी, अपने आप को समझ पाएगी कि उनका एडमिशन होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो ये अनऑफिशियल कट ऑफ एनालिसिस से ध्यान देना, मैं एक वोटिंग भी क्रिएट किया था जिसमें लगभग 200 लोगों ने वोट किया हुआ है, 200 लोगों ने वोट किया है, और उसमें लोगों का कहना है कि पेपर आसान आया था, मैक्सिमम लोगों का कहना है, लगभग 30% लोगों का कहना है कि पेपर ईजी आया था, और वही लगभग 25% लोगों का कहना है कि पेपर हार्ड आया था, बाकी लोग नो मेंस लैंड में होंगे मुझे लग रहा है। तो दोनों का एवरेज लोगे या फिर अपने से भी अगर जोड़ घटाना गुणा भाग करोगे तो मुझे लग रहा है कुछ इसी तरीके के आपके मार्किंग आने वाली है, कुछ इसी तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टनेस आने वाले हैं। तो प्लीज गाइस, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि फाइनली आप कितने क्वेश्चन करेक्ट करके आए हो, अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और हाँ, टेंशन नहीं लेना है, अब आपने अपना कर्म कर दिया है, जो फल आएगा उसका आप एंजॉय करो, उसको आराम से खाओ, उसका टेस्ट लो, ठीक है। और वो विद्यार्थी जो कि
इसको देखने के बाद एकदम रियलाइज कर ले रहे हैं भाई मेरा नहीं हो सकता है। जैसे अब 30 से भी नीचे वाले हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप इस साल गैप करके नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से प्रिपरेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुस्कुराते रहे, हर हर महादेव।